टाइम कौन है? अरे अरे, तुम मेरे घर के अंदर ऐसे कैसे, तुम मेरे घर के अंदर घुसे जा रहे हो? मेरा नाम लक्ष्य है और किसी ने मेरा बटुआ चोरी कर लिया है और सिर्फ मुझे 100 रुपए की जरूरत है। मेरी माँ भूखी बैठी हुई स्टेशन पे, मैं आपको वापस दे दूंगा। क्या 100 रुपए? तुम्हारी हुलिया देख के मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम्हें 100 रुपए की जरूरत है। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप चाहे चल के देख भी सकते हैं, मेरी माँ वहाँ पे बैठी हुई है भूखी। प्लीज मुझे 100 रुपए दे दीजिए, प्लीज। मुझे तो लग रहा है कि तुम बहाने बना रहे हो। नहीं नहीं, मैं बहाने नहीं बना रहा, कसम से मुझे 100 रुपए की बहुत जरूरत है। 100? पता नहीं ये सच भी बोल रहा है या नहीं। हम बस 100 रुपए। मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, मैं क्यों पैसे दूँ तुम्हें? मैं यहाँ से जा रहा था, मुझे आपके पहले घर देखा, मैं वहीं पे आया हूँ। अब प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। और मुझे तुम्हारा हुलिया देखकर भी लग नहीं रहा कि तुम कौन हो। मैं तुम्हें क्यों 100 रुपए दे दूं? मुझे देखो, यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें सिर्फ 100 रुपए चाहिए। तुम्हारी हालत तो ऐसी नहीं लग रही कि तुम्हें 100 रुपए की जरूरत होगी। आप मेरा यकीन करीजिए, मेरे को सिर्फ 100 रुपए की जरूरत है। पता नहीं, तुम्हारा हुलिया देखकर तुम लग तो नहीं रहा कि 100 रुपए की जरूरत होगी तुम्हें। अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं 100 रुपए लेके आती हूँ। जी जी, धन्यवाद। अंदर मत आ जाना। अरे ये कहाँ चला गया? अभी तो 100 रुपए के लिए इतना बवाल कर रहा था और अब बिना पैसे लिए ही चला गया। चलो मुझे क्या, मैं तो 100 रुपए बच गए। अभी 100 रुपए देते हुए कितने ड्रामे कर रही थी ना, अब देखो 100 रुपए के बदले तुझे क्या क्या देना पड़ेगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं, अभी देख तू क्या क्या देगी। तुम पागल हो गए? मेरा फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मेरा फोन वापस करो। फोन वापस चाहिए? पहले वो 100 रुपए के बदले यहाँ पे जितना भी तेरा सोना पड़ा है ना वो दे। तुम बकवास कर रहे हो ना? देखो मैं शोर मचाऊंगी और सारे लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। जिसको तूने बोलना है बोल दे, तू जाकर तो देख गेट से बाहर। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे चिल्लाना ही पड़ेगा। जाकर तो दिखा। देखो मैं तुम्हें कह रही हूँ, मेरा फोन वापस कर दो। फोन तो वापस मिलेगा नहीं, पर हाँ तुझे बहुत चीजें देनी पड़ेगी मेरे को। तुम ऐसे नहीं मानोगे, ठीक है मैं लोगों को बुलाकर इकट्ठा कर लेती हूँ। जाकर तो दिखा। क्या है, छोड़ दो मुझे। छोड़ूंगा नहीं मैं। अभी 100 रुपए के लिए तूने मुझे कितना रुलाया ना। तू 100 रुपए चाहिए थे ना, ये लो तुम 100 रुपए ले लो। 100 रुपए चाहिए नहीं अब मेरे को, अब जितना तेरे यहाँ पे सोना पड़ा ना, जेवर पड़े हैं वो चाहिए सब मेरे को। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम 100 रुपए मांग रहे थे ना, ये लो 100 रुपए ले लो। चाहिए जहाँ पता कहाँ पर तूने सारा सामान रखा है। नहीं निकाली तो मैं अपना चाकू निकालू। तुम्हारे पास कोई चाकू वाकू नहीं है, तुम मुझे बस ऐसे ही डरा रहे हो। अगर एक बार मेरा चाकू निकल गया ना तो मैं नहीं बोलूंगा, मेरा चाकू बोलेगा। बोल निकालो। नहीं नहीं, मैं निकालती हूँ। चेन उतार। चेन? पर नहीं नहीं, ये नहीं दूंगी मैं तुम्हें। नहीं मुझे ये चेन। देरी नहीं देरी, जल्दी निकालो अपना चाकू। तुम्हारे पास कोई चाकू वाकू नहीं है, तुम तो बस ऐसे ही बोल। ये भी दे। एक तो ये खुल भी नहीं रहा है। देरी नहीं तो गला काटू। अरे उतार रही हूँ ना, ये लो चैन। ला दे फटाफट। लो। एक मिनट, ये क्या है? इसको भी उतार। ये लो। एक मिनट क्या? ये भी दे मेरे को। अरे। ड्रामे मत कर, जल्दी दे। ये क्या है? सब कुछ ले लूंगी क्या मेरा? सब कुछ, इसको भी उतार। लास्ट अंगूठी बची है मेरे पास और कुछ भी नहीं। छुपा के रखा होगा। चल मेरे साथ। आई स्वेयर। झूठ बोलेगी ना घुसेड़ दूंगा चाकू। ये सच में जो था मैंने दे दिया। झूठ मत। पर अब सच में मेरे पास कुछ भी नहीं है। झूठ बोल रही है। ये तू एक चल दिखा मेरे को अपनी अलमारी। सच में पैसे नहीं है बस ये। अपनी तिजोरी के पास चल, नहीं चलेगी। आप लोगों ने देख लिया ना,
मेरी जैसी गलती आप लोग कभी दोबारा मत करिएगा। किसी भी अनजान लोगों को घर में मत बुलाइएगा। मैं तो लुटी गई, अब तो सारी ज्वेलरी चली गई मेरी।